सो वेलकम बैक टू कस्टम ईवी। मैं वसीम आज और एक वीडियो लेके आया, और आज का जो वीडियो है ये हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल ओवर पैन इंडिया से हम लोग का बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा है ये पेट्रोल इंजन के बारे में। ये एक पेट्रोल डीसी जनरेटर है, तो हम इसके बारे में हर एक चीज डिटेल हम आज आप लोगों को बोलने वाले हैं, कैसे करके इसको सेट करेंगे, इसका कनेक्शन क्या होगा, इसका प्राइस क्या है, इस ये हम लोग का कहाँ पे फैक्ट्री है, कहाँ पे हम लोग का गोडाउन है, हर एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, कैसे करके आप ये मंगवाएंगे आपका जगह पे, हर एक डिटेल हम आज करेंगे। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है बिना स्किप करके आप देखिए, पूरा डिटेलिंग हम करेंगे कि इसके साथ क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपको मिलेगा, हर एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर अभी मेरा सामने जो है ये 3000 वाट का जनरेटर है। हम लोग के पास 4000 वाट का भी जनरेटर है। अभी का जो वीडियो है ये 3000 वाट का जनरेटर है, और इसके संग क्या क्या आने वाला है आप देख सकते हैं कि ये इंजन है, ये इंजन के साथ ये कंट्रोलर यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। आपका कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके संग अटैचमेंट में क्या आ रहा है, अटैचमेंट में हम लोग का ये कनेक्शन, ये वायर दिया हुआ है, ये कनेक्शन वायर जो है ये आपका अटैचमेंट में आएगा। इसके संग आपका शॉर्टिंग केबल भी है, देख सकते हैं आप, ये बैटरी शॉर्टिंग केबल है। और इसके संग आपका ये आपका 5 लीटर का ऑयल टैंक, ये इसमें पेट्रोल लगाने पेट्रोल लेने के लिए ये ऑयल टैंक है, और ऑयल पाइप भी इसके संग अटैचमेंट में आएगा। तो आपको बाहर से कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी और एक चीज क्या है, कैसे करके इसका जो वायरिंग पार्ट है वो क्या है, वो हम बोलने के पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो फैक्ट्री, हम लोग का गोडाउन जो है, ये आपका वेस्ट बंगाल हावड़ा में है। आपको अगर लेना होगा तो ये पूरा पूरी प्रीपेड सर्विस है। अगर आपको लेना है आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल, अगर कोई कस्टमर आप कॉल कर रहे हैं बिहार, यूपी, आसाम, झारखंड, कहीं से भी आप कॉल कर रहे हैं, या तो आप हम लोग का गोडाउन आ जाइए। अभी हम आपको वीडियो भी गोडाउन से करवा रहे हैं, तो आप गोडाउन आ जाइए, नहीं तो आपको अगर मंगवाना होगा तो हम लोग को प्रीपेड सर्विस है, आपको पेमेंट फुल करना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको वीआरएल लॉजिस्टिक्स से देंगे। और ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं जाएगा, आपको जब भी आप लेंगे तो आपको वीआरएल का कंसाइनर कॉपी एक आता है, जब भी हम कोई माल डिस्पैच करते हैं तो उसका एक ट्रैकिंग आईडी होता है, वो कंसाइनर कॉपी आपको सेम डे भेजा जाएगा, जहां से आप वीआरएल का साइट में जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कहां तक आपका माल पहुंचा है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका पहुंच जाता है, आपका नियरेस्ट जो वीआरएल है वहां पे वो कंसाइनर कॉपी का फोटो दिखा के आप उस प्रोडक्ट को, ये जो है इसको ले सकते हैं। तो कोई भी प्लीज ये ना मत बोलिएगा कि आपको कैश ऑन डिलीवरी, हम लोग का कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। आप या तो आप गोडाउन आ जाइए, यहाँ पे आके देख के लेके जाइए, नहीं तो आपको प्रीपेड आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। अभी सेकेंडरी पार्ट जो है, ये मेन जो चीज है, बहुत सारा कस्टमर कॉल करते हैं, बहुत ऑल ओवर इंडिया से कॉल करते हैं कि फिटिंग करके देने के लिए, सर हम लोग फिटिंग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से आपको, ये हम लोग का स्टॉक पॉइंट है, यहाँ से आपका ये जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जाएगा। आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है हम आपको आज बताने वाले हैं, कैसे करके आप इसका वायरिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो के बाद आपको किसी का ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है, कोई भी मैकेनिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आप इसको गाड़ी का कहाँ पे फिटिंग करेंगे वो आपका मैटर है, आपको वहां पे आपका नियरेस्ट जो भी जिससे भी हो सके, वो वेल्डर हो सकता है या कोई भी गराज हो सकता है, या कई लेद में भी जाके जो लोग बॉडी का काम करते हैं वहां पे जाके इसको गाड़ी का जहां पे फिटिंग करना चाहते हैं वहां पे फिटिंग कर लीजिएगा। और इसका जो वायरिंग पार्ट है, जो गाड़ी के साथ इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे करके ये बैटरी को चार्ज करेगा, वो हम आज दिखाने वाले हैं। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है वो पहले हम बोल देते हैं। एक डीसी जनरेटर का एडवांटेज है ये कि आप अगर एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में लगा रहे हैं तो उसमें आपका बैटरी का अगर चार्ज खत्म हो जाता है तो ये क्या करेगा, आपका बैटरी को चार्ज करेगा, और चार्ज करते करते आप अपना गाड़ी को भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आप 500 से 600 केजी लोड भी उठा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लोड लीजिएगा इसका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर बर्न हो जाता है। तो ये हम आपको डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो इंजन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, होता कहाँ पे है, ये कंट्रोलर में अगर ओवरलोड हो जाता है तो 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ये बर्न हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, आपको कंट्रोलर रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पज क्या है, इसको बैटरी को चार्ज करेगा, आपका गाड़ी को चलाएगा, या आप अगर आपका गाड़ी में अगर चार्ज है उसके बाद भी इसको चला सकते हैं, चार्ज खत्म हो गया आपका गाड़ी कहाँ पे रुक गया है, आप पेट्रोल डाल के गाड़ी को चला सकते हैं। ये 48 वोल्ट मतलब 4 बैटरी, 60 वोल्ट मतलब 5 बैटरी, 72 वोल्ट मतलब 6 बैटरी, तीनों बैटरी के लिए ही आपका कंपेटेबल है। तीनों, कोई भी गाड़ी अगर 48 वोल्ट या 60 वोल्ट और 72 वोल्ट का होगा तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। अब कैसे करके ये जो वोल्टेज कन्वर्शन होगा वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं आज। तो
तो देखिए पहला जो चीज है इसके संग जो ये कनेक्शन वायर आता है, ये कनेक्शन वायर का दो पोल है, एक दोनों एंड जो है हम एंड आपको दिखाते हैं, एक एंड यहाँ पे है जहां पे कपलर दिया हुआ है और उसके संग एक रेड कलर का वायर दिया हुआ है। इसको क्या करना है, सिंपल चीज है, ये जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर के संग देखिएगा यहाँ पे भी एक कपलिंग है, कपलर है, इस कपलर के संग इस कपलर का जो देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरा प्रॉपरली इसको क्या करना है ऐसे करके ये लगा देना है, सिंपल ये आपका लग गया तो ये कनेक्ट हो चुका। तो वायरिंग में कोई कोई भी हार्ड एंड शोल कुछ नहीं है, एकदम इजी वायरिंग है। आप इस कनेक्शन को इसको कपलर को कनेक्ट कर दिए, इसका जो और एक पार्ट जो है रेड कलर का है, इसको कन्वर्टर का जो 48 वोल्ट जहां पे आउटपुट आ रहा है कन्वर्टर से, उस 48 वोल्ट का साथ कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। कन्वर्टर से आप देख लीजिएगा मल्टीमीटर से कन्वर्टर का कौन सा लाइन से 48 वोल्ट आ रहा है, तो वो 48 वोल्ट के संग इसको कनेक्ट करना है, गाड़ी का 48 वोल्ट के संग इसको कनेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ का पोर्शन खत्म हो गया, तो ये जो आपका वायर दिया हुआ था उसका एक पोर्शन खत्म हो गया। रही बात यहाँ पे और कुछ है, हाँ यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग और दो कनेक्टर है। ये दो कनेक्टर का काम क्या है, अगर आपका 48 वोल्ट है गाड़ी तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 72 वोल्ट लिखा हुआ है, उल्टा हो रहा है लेकिन 72 वोल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप 60 वोल्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या है, अगर आपका गाड़ी 48 वोल्ट का है तो इस दोनों को कनेक्ट नहीं करना है, इसको भी कनेक्ट ऐसा खुला छोड़ देना है, इसको भी खुला छोड़ देना है, सिर्फ इसको ब्लैक टेपिंग कर दीजिएगा ताकि ये कनेक्ट ना हो जाए। और अगर आपका आप गाड़ी अगर 60 वोल्ट का होगा तो क्या करना है, ये जो 60 वोल्ट का कनेक्शन है, ये जो कपलर है, ये दोनों को ऐसे करके आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या हो गया, 60 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर आपका 72 वोल्ट का, तो इसको खोल के क्या करना है, ये 72 वोल्ट का जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये सिंपल सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल है, बस ये कनेक्ट हो गया, इसको बंद कर देना है। तो मतलब अगर 48 वोल्ट अगर गाड़ी है तो 48 वोल्ट के लिए ये पूरा दोनों को एक खुला छोड़ देना है, इसको सिर्फ कपलिंग यहाँ पे ब्लैक टेपिंग कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये एक दोनों से कनेक्ट ना हो जाए। तो 48 वोल्ट के लिए आपको दोनों को खोल छोड़ देना है, 60 वोल्ट होगा तो 60 वोल्ट को कनेक्ट करना है, 72 होगा तो 72 को कनेक्ट करना है। हो गया, ये पोर्शन हो गया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसका इसका जो दूसरा पोल है, इस दूसरा पोल के साथ देखिए एक साथ एक जगह में आपका यहाँ पे भी कपलर से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये जो है, ये जो पार्ट है, ये स्विच है, ये स्विच आपका हैंडल का कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं जहां पे आपको यूज करने में इजी हो। तो ये स्विच है, जिस स्विच से ये कंट्रोलर, ये जो ये जनरेटर वो चालू होगा, ये स्विच और है। इसके संग ये जो पोल है इसमें दो और तार है, तो ये दो और तार क्या है, ये दो और तार कुछ नहीं है, एक है आपका इग्निशन स्विच, मतलब गाड़ी का जो चाबी होता है इग्निशन स्विच बोला जाता है, उसके संग ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल के साथ जाएगा, तो ब्लैक कलर जो है वो न्यूट्रल के साथ जाएगा, और ये जो है गाड़ी का जो इग्निशन स्विच है वो इग्निशन स्विच के साथ जाएगा। तो ये बहुत सारा हो सकता है कि आप लोग जो गाड़ी चलाते होंगे या अगर कोई सोच रहे कि हम खुद से करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे न्यूट्रल है कहाँ पे स्विच है। ये जो मेरा वीडियो है, आपका नियरेस्ट कोई भी मैकेनिक जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है उसको दिखाइएगा तो वो बेझिझक इसको आराम से कर देंगे। तो ये हो गया आपका मेन कनेक्शन। तो ये कनेक्शन, ये पार्ट जो है, ये कनेक्शन आपको हम समझा दिए। अभी हम दिखाते हैं इसके संग बैटरी का क्या कनेक्शन होगा। इसके संग एक शॉर्टिंग तार दिया हुआ रहता है, ये शॉर्टिंग तार में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं एक जॉनसन बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जॉनसन बॉक्स का आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का वायर है और ब्लैक कलर का वायर है। तो ये जो शॉर्टिंग तार है उसका रेड कलर के संग रेड कलर, ब्लैक कलर के संग ब्लैक कलर आप ज्वाइन कर दिए, सिंपल सा चीज है। इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट को आपको क्या करना है, इसका आउटपुट जो है उसको बैटरी का जो एंड पोल है, जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव में रेड और नेगेटिव में ब्लैक, ये दोनों को आपको उसमें ज्वाइन कर देना है। कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जहां पे आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां पे पॉजिटिव आपका गाड़ी का पॉजिटिव वायर स्टार्ट हुआ बैटरी पोल में, उसमें ये देना है, और जहां से निकल रहा है उसी पोल में ये इसको देना है, बस। तो ये क्या हो गया, ये बैटरी के संग थ्रू ये शॉर्टिंग तार कनेक्ट हो गया। जब भी आप इसको ऑन करिएगा तो क्या करेगा, ये आपका 48 वोल्ट होगा तो 48 का आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट आपको बैटरी को देगा, तो बैटरी भी चार्ज होगा और गाड़ी भी चलेगा। तो ये जो वायरिंग का वीडियो है, वायरिंग का जो भी हम आपको वीडियो अभी बनाए हैं, ये आपका पर्पज को सॉल्व करेगा। और बहुत सारा कस्टमर ने बोल रहे हैं कि हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो उसी कारण से ये जो वीडियो है, ये वीडियो को हम आज बनाए हैं। और ये देख सकते हैं आपका ये जो ऑयल टैंक है, ये ऑयल टैंक का साथ है, ऑयल पाइप भी दिया हुआ है, वो भी हम दिखा देते हैं। ये ऑयल पाइप कहाँ पे लगेगा, ये जो है यहाँ पे ये पोर्शन एक पोल जो इधर लगेगा, और एक जो है हम आपको दिखाने वाले हैं
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक नोजल है, आपको दिख पा रहा है यहाँ पे एक नोजल है, ये नोजल के संग एक नोजल के संग इसको लग जाएगा, तो ये नोजल के संग लग गया, तो ये इधर लग गया, ये देखिए ये लग गया, और ये जो है ये यहाँ पे तो ये लग जाएगा। ये लग जाने के बाद इसको अंदर घुसा देने के बाद ये क्लिपिंग को खोल के इसको पूरा सेट कर देना है, तो ये भी ये कनेक्ट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आज हम आपको वीडियो करवा दिए हैं ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज हम अप फ्रंट आपको बता रहे कि इसमें जो लोड कैपेसिटी है ये अभी 3000 वाट का है, उसीलिए इसमें आपका लोड कैपेसिटी 500 से 600 का है। अगर हम लोग का 4000 वाट का भी लोड कैप 4000 वाट का भी आपका इंजन है, उसका लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसका प्राइस भी ज्यादा है। हम आपको प्राइस जो है ये प्राइस को लेके काफी मार्केट में काफी कंपटीशन चलता है, हम लोग से बहुत सारे डीलर जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग का ये इंजन को यूज कर रहा है, इंजन सेल कर रहा है, तो बहुत कंपटीटिव रेट है हम लोग के पास। हम आपको ये ओवर दी वीडियो हम अपफ्रंट नहीं बोल सकते हैं, आपको अगर रेट लेना है बेझिझक कॉल करिए, किसी को डीलरशिप लेके काम करना है, बहुत सारा देखिए बहुत सारा ई रिक्शा ड्राइवर भी है जो लोग इसको लेके काम कर सकते हैं। आप अगर आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल है तो आप हम लोग से लेके अपना जगह में प्रोडक्ट को सप्लाई करिए, अपना वीडियो अपना जो जो लोग जो आपका साथ काम करता है जो ड्राइव करता है उन लोग का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आप लेके खुद जाके उनको एक अलग रेट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम वो नहीं बोलेंगे कि क्या रेट में देंगे क्या नहीं देंगे, वो अप टू यू, आप क्या रेट में बेचेंगे वो आपका मैटर है। तो हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है अगर किसी को डीलरशिप लेके काम करना है, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक चीज है और बहुत हेल्पफुल है। आप अगर एक ई रिक्शा चलाते हैं तो बहुत सारा ऐसा भी होता है कि आपको बहुत दूर दूर आपको भाड़ा लेके जाना पड़ता है, आपका रिजर्वेशन आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, तो कभी कभार हो सकता है कि आपका बैटरी का चार्ज खत्म हो गया हो लेकिन आपको जाना है, आपका इनकम के लिए आपको जाना है बहुत दूर दूर तक, तो आप उसके लिए जो लोग इतना लंबा लंबा भाड़ा मारते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप प्रॉपरली इसको यूज करेंगे 5-6 साल 8 साल तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसमें, तो इतना ध्यान में रखिए कि ये जो चीज है ये हम लोग का फुल स्टॉक है। आपको अगर कभी भी 10 पीस 20 पीस 50 पीस 100 पीस भी चाहिए होगा तो हम लोग सप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या है हर एक चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको लेना होगा, अगर आउट ऑफ द स्टेट हो आप आ रहे हैं, बहुत कस्टमर ने बोला कि सर कैसे करके हम आपको भरोसा करें कि आपको पेमेंट कर देंगे तो आप हमको भेजिएगा। देखिए सर आप जो आप हम लोग को पेमेंट करें मतलब हमको नहीं पेमेंट कर रहे, मेरा कंपनी को आप पेमेंट कर रहे, तो जब भी आप हमको पेमेंट कर रहे तो इतना ध्यान में रखिएगा कि एक कंपनी को अगर पेमेंट करते हैं तो उसका पूरा ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि हमको ये आपका जीएसटी रिटर्न में भी हम लोग को देना पड़ता है। तो आपको प्रॉपर बिल दिया जाएगा, वीआरएल लॉजिस्टिक्स का कंसाइनर कॉपी भी दिया हुआ रहेगा। अगर किसी को कुरियर में मंगवाना हो तो कुरियर में बहुत कॉस्टिंग ज्यादा जाता है, उसीलिए हम लोग कुरियर कस्टमर को भी अवॉइड करने बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कस्टमर का जितना पैसा कम हो सके उतना मतलब खर्चा हो, तो वीआरएल में मंगवा लीजिएगा। लेकिन एक ही चीज है, प्रीपेड होगा, हम लोग कोई भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं, तो इतना ध्यान में रख के उसके बाद कॉल करिएगा। और प्राइस काफी कंपेटिटिव है, तो और देर किस बात का है, अभी अगर आपको ऑर्डर करना है तो प्लीज मेरे नंबर पे कॉल करिए, मेरा नंबर डिस्प्ले में दिया हुआ है। और इसका वीडियो भी हम और भी बनाएंगे, मेरा चैनल में जाइएगा तो बहुत सारा कार्य में ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, और हम लोग का जो नया नया लोडर बनता है आपको आप लोगों को दिखा होगा कस्टमर का रिव्यू के बारे में, आपको अगर लोडर भी चाहिए तो बेझिझक कॉल करिए। कस्टमाइजेशन हम लोग करते हैं, फूड कार्ट, इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिक स्कूल वैन, आपका गार्बेज लोडर, कंटेनर, नॉर्मल लोडर, 1 टन 1.5 टन 2 टन 2.5 टन 3 टन तक का हम लोग का गाड़ी है। आपको अगर चाहिए तो बेझिझक कॉल करिए। आज के लिए इतना ही, और बहुत इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो अपना दोस्त के साथ शेयर करिए, और ऑर्डर करने के लिए मेरे नंबर पर कॉल करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।